YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रंजन सर जहानाबाद फ्रॉम सिर्जन क्लास से। हम आपको बुक से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन देते हैं, जिस पर आपको कमेंट बॉक्स पर आंसर देना है। आप लोग कल के क्लास में भी आंसर दिए थे, आज भी 3 क्वेश्चन है, तीनों को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स पर आंसर देना है। पहला, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ये स्टोरी है, कहानी है, ये नॉवेल एक उपन्यास है, एक ड्रामा, एक नाटक है, एन एसे एक निबंध। दूसरा, लीव्स ऑफ ग्रास बाज पब्लिश इन, लीव्स ऑफ ग्रास प्रकाशित हुआ था 1854 1855 1856, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन, जॉन्डन वाज डाइड इन, जॉन्डन मर गए थे है ना 1630 ईस्वी, 1632, 1631 या 1634। तीनों को सोल्व करके कमेंट बॉक्स पर आंसर इसको सेंड कीजिएगा, इसको नोट करो। तो ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का शॉर्ट क्वेश्चन, आपको 3 वो बता दिए थे, चौथा होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार, महात्मा गांधी बिहार में किसानों के लिए क्या किए। व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार, महात्मा गांधी बिहार में किसानों के लिए क्या किए। तो आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे, भली भांति जानते होंगे कि महात्मा गांधी है ना आंदोलन किए थे बिहार में, और वो आंदोलन का नाम था सत्याग्रह आंदोलन। किसके लिए? किसान के लिए। तो हम लिखेंगे महात्मा गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट मतलब आंदोलन फॉर द फार्मर्स इन बिहार। इसका आंसर हो गया, महात्मा गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द फार्मर्स इन बिहार। महात्मा गांधी बिहार में है ना किसानों के लिए सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे। महात्मा गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट, महात्मा गांधी सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे फॉर द फार्मर्स, किसानों के लिए इन बिहार, बिहार में। इसको नोट करो। चलिए अब देखिए, यहाँ भारत अकॉर्डिंग टू द ऑथर मॉडर्न सिविलाइजेशन है ना कहता है कि लेखक के अनुसार यानी महात्मा गांधी के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता क्या है। आधुनिक सभ्यता को हम आपको बुक में पढ़ाए थे कि इसे मॉडर्न सिविलाइजेशन भी कहते हैं, मटेरियल भी सिविलाइजेशन इसी को कहा जाता है। तो महात्मा गांधी आपको पढ़ाए होंगे कि महात्मा गांधी कहते थे कि मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ नहीं है, जो आधुनिक सभ्यता है वो कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ वस्तुओं की पूजा होती है, और यह सभ्यता है जो सिर्फ किस पर डिपेंड है, तो मशीन पर ही डिपेंड है। तो हम यहां लिखेंगे मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, आधुनिक सभ्यता वस्तुओं की पूजा है, इट डिपेंड्स, और यह यानी आधुनिक सभ्यता निर्भर करता है ऑन मशीन,
मशीन पर, इसको नोट करो, पता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, आधुनिक सभ्यता जो वस्तुओं की पूजा है, इट डिपेंड्स ऑन मशीन और या मशीन पर निर्भर करता है, नोट कीजिए इसको। डिस्कस, वर्णन करें द फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता क्या है, भारतीय सभ्यता क्या है उसके विशेषताओं को बतलाइए, है ना, फीचर्स का मतलब विशेषताएं, इसका हिंदी लिख लीजिएगा। डिस्कस, वर्णन करें या विचार विमर्श करें द फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की क्या विशेषताएं हैं, उस विशेषता के बारे में क्या करना है, वर्णन करना है, ना, इसको नोट करो। डिस्कस द फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, तो मैं यहां आंसर में लिखेंगे द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता टीचेज अस, हम लोगों को सिखाता है मॉरेलिटी, नैतिकता, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द इंडियन सिविलाइजेशन टीचेज अस मॉरेलिटी, इट इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, और यह आधारित है ईश्वर में विश्वास करने पर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मशीन, और यह मशीन पर आधारित नहीं है जो भारतीय सभ्यता है, यह मशीन पर आधारित नहीं है, द इंडियन सिविलाइजेशन, द इंडियन सिविलाइजेशन टीचेज अस, भारतीय सभ्यता हम लोगों को सिखाता है कि वी शुड बिलीव, हम लोगों को विश्वास करना चाहिए, हम लोगों को विश्वास करना चाहिए इन आवर हैंड्स एंड फीट, अपने हाथों और पैरों पर हम लोगों को विश्वास करना चाहिए, यानी भारतीय सभ्यता हम लोगों को हमेशा यह ज्ञान देता है जो हमारी रीति रिवाज है, पूरे भारत के लोगों को यह सिखाता है कि हम लोग को मशीन पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बल्कि हम लोगों को अपने हाथों अपने पैरों पर विश्वास करना चाहिए, मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए, है ना, ये हम लोग को सिखाता है हमारी कल्चर सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स, विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, द पाथ ऑफ ड्यूटी, इसको नोट करो तब बतलाते हैं। चलिए अब देखिए, डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की विशेषताओं को वर्णन करें, तो द इंडियन सिविलाइजेशन टीचेज अस मॉरेलिटी, भारतीय सभ्यता हम लोगों को नैतिकता सिखाता है, इट इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, और यह ईश्वर में विश्वास करने पर आधारित है, यानी हमारी कल्चर हमारी सभ्यता, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मशीन, और यह मशीन पर आधारित नहीं है, कौन, भारतीय सभ्यता,
द इंडियन सिविलाइजेशन टीचेज अस और भारतीय सभ्यता हम लोगों को सिखाता है वी शुड बिलीव, हम लोग को विश्वास करना चाहिए इन आवर हैंड्स एंड फीट, अपने हाथों और पैरों पर विश्वास करना चाहिए, परिश्रम के साथ आगे बढ़ना चाहिए, न कि मशीन पर हम लोग को डिपेंड रहना चाहिए। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट ए मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, और भारतीय सभ्यता है ना आचरण का वह अंदाज है जो किसी मानव को कर्तव्य के रास्ता को दिखाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारे बाप दादा पूर्वज ने संस्कार बनाया है, जो रीति रिवाज बनाया है, वो रीति रिवाज हम लोग को यह बतलाता है कि हरेक मानव को अपने कर्तव्य के रास्ता पर चलना चाहिए, यानी देश समाज मानव के लिए जीवन में अच्छा काम करना चाहिए। जिसका भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि भारत में देखिए बहुत सारी महामारी चला हुआ है ना, महामारी चला हुआ है, सभी लोग हैं जो महामारी के डर से घर में छिपे हुए हैं, लेकिन महामारी से बचते हुए भी आज एक लोग दूसरे लोग को कोऑपरेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, राशन की जरूरत हो, भोजन की जरूरत हो, तो ये कर्तव्य की रास्ता हम लोग कहाँ से सीखे, तो हमारे कल्चर से, भारत की सभ्यता से, जो हमारे पूर्वज ने, जो हमारे बाप दादा ने संस्कार को बनाया था, तो उसी के रास्ता पर हम लोग चल रहे हैं। इतना महामारी में भी लोग एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे को सहानुभूति दे रहे हैं, ये सब हम लोग सीखे हैं अपने कल्चर से, और ये कल्चर है जो भारत के कल्चर है जो मानव को बतलाता है कि हरेक मानव को बतलाता है अपने कर्तव्य को निर्वहन करने के लिए, अपने कर्तव्य के रास्ता पर चलने के लिए। ये हमारी कल्चर, हमारी सभ्यता की विशेषताएं हैं, फीचर्स है, नोट कर लो इसको। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि डिस्कस द फीचर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता की विशेषताओं को बतलाओ या पश्चिमी सभ्यता के विशेषता को वर्णन करो, आखिर पश्चिमी सभ्यता क्या है उसके बारे में बतलाइए। तो अभी हम बताए थे, पढ़ाए भी है कि पश्चिमी सभ्यता क्या है, अनैतिकता सिखाता है ना, पश्चिमी सभ्यता हम लोग को क्या सिखाता है, अनैतिकता सिखाता है। पश्चिमी सभ्यता जो वस्तुओं की पूजा होते हैं, कि पश्चिमी सभ्यता में लोग ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं, ये गॉडलेस होता है, नास्तिक होता है, और ये टोटली किस पर डिपेंड है, मशीन पर डिपेंड है ना। तो हम लिखेंगे यहां, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन पश्चिमी सभ्यता इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, पश्चिमी सभ्यता वस्तुओं की पूजा है। इट टीचेज अस इमोरेलिटी, यह हम लोगों को अनैतिकता सिखाता है। अनैतिकता का मतलब कि समाज में अपने जीवन में बुरा काम करना है ना, देश समाज मानव के लिए अच्छा काम नहीं करना, उसी को हम लोग अनैतिकता कहते हैं। तो पश्चिमी सभ्यता जो कल्चर है वो हम लोगों को अनैतिकता सिखाता है। इसलिए महात्मा गांधी ने ऐसे में पढ़ाया तो कि जो भी अगर भारत, इसमें बताया थे महात्मा गांधी कि अगर पश्चिमी सभ्यता के कल्चर को अगर कॉपी करने की कोशिश करेगा तो भारत क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, हमारे कल्चर समाप्त हो जाएगा। इसलिए सोचिए कि कल्चर ही जो सिखाता है, जो अनैतिकता सिखाता है, जीवन में जितने भी हम बुरे काम करते हैं या बुरे ख्याल रखते हैं, डिजायर रखते हैं, वो सभी विदेशी कल्चर का ही उपज है। इसलिए ये टीचेज अस इमोरेलिटी, ये हम लोगों को अनैतिकता सिखाता है। इट डज नॉट बिलीव इन गॉड, या ईश्वर में विश्वास नहीं करता है पश्चिमी सभ्यता। इट डिपेंड्स, या निर्भर करता है और मशीन, यह सर मशीन पर निर्भर करता है। तो द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, पश्चिमी सभ्यता वस्तुओं की पूजा है। इट टीचेज अस इमोरेलिटी, यह अनैतिकता, यह अनैतिकता हम लोगों को सिखाता है ना, या कह सकते हैं द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यहाँ ना द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट इमोरेलिटी, पश्चिमी सभ्यता है जो अनैतिकता को बढ़ावा देता है।
इट डज नॉट बिलीव इन गॉड, और यह ईश्वर में आस्था ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, ये गॉडलेस होता है, नास्तिक होता है। इट डिपेंड्स ऑन मशीन, और यह मशीन पर निर्भर करता है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, पश्चिमी सभ्यता वस्तुओं की पूजा है। इट टीचेज अस इमोरैलिटी, यह हम लोगों को अनैतिकता सिखाता है। इट डज नॉट बिलीव इन गॉड, यह ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। इट डिपेंड्स ऑन मशीन, और यह मशीन पर निर्भर करता है। यही पश्चिमी सभ्यता है जिसको लोग आज इसको पालन करने के लिए इसके पीछे लोग क्रेजी हैं। क्रेजी तो जरूर है, लेकिन वो जो इंसान इस कल्चर को अपना रहा है वो अपना वर्तमान भी बर्बाद कर लेगा, भविष्य भी बर्बाद कर लेगा। और अगर कोई भी व्यक्ति इस कल्चर को अपनाएगा, खास करके भारत के लोग, तो जो हमारे पूर्वज के द्वारा जो बाप दादा के बनाएगा संस्कार था, रीति रिवाज था, जो हमारी कल्चर है, वो सभी है जो आगे चलकर मिट जाएगा। इसलिए इस कल्चर को हम लोगों को इस कल्चर से दूर रहना चाहिए, इसको अपनाना नहीं चाहिए। इसको नोट करो। सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म, हमारा आठवां क्वेश्चन कहता है कि भारतीय सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म, सभ्यता का वास्तविक अर्थ क्या होता है? आखिर सभ्यता का वास्तविक अर्थ क्या होता है, है ना? जो भारत की सभ्यता है उसका वास्तविक मतलब क्या होता है? तो लिखेंगे यहां सिविलाइजेशन इज दैट mode of conduct which points out a mind to the path of duty। तो सभ्यता का वास्तविक मतलब क्या होता है, इसके बारे में आपको निबंध में इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में पढ़ाए होंगे कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट ए मैन टू द पाथ ऑफ ड्यूटी, है ना? सभ्यता आचरण का वह अंदाज है जो किसी मानव को कर्तव्य के रास्ता को दिखाता है, उसे हम वही सभ्यता का सही मतलब सही अर्थ है। कर्तव्य का रास्ता, जीवन में अच्छा काम करना, नई सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ना, है ना? अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के बाद, है ना, अपने उद्देश्य के प्राप्त करने के बाद मानव के लिए, समाज के लिए, समाज के वर्गों के लिए अच्छा काम करना, ये सब है जो कर्तव्य के रास्ता दिखाता है। अभी अभी हम बताए थे इसके फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन में भी। अभी देखो बहुत सारे संकट भारत में आए हुए हैं, एक लोग दूसरे लोग को कोऑपरेट कर रहा, ये कर्तव्य का रास्ता दिखाया। आज हम लोग एक दूसरे को सहयोग करते हैं, है ना, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। हम लोग की मदद से किसी भी इंसान आगे बढ़ता है, और जो इंसान उसको मदद किया, यही कर्तव्य का रास्ता है। तो सोचिए कि हमारे पूर्वज ने, जो हमारे एंसेस्टर थे, पूर्वज थे हमारे बाप दादा ने, जो रीति रिवाज कितना अच्छा बना के गया है कि हमारे रीति रिवाज भारत की सभ्यता है, जो यह कहता है, मानव को यह शिक्षा देता है कि अपने कर्तव्य के रास्ता को दिखाता है। सोचिए कि हमारे पूर्वज के बनाए गए रीति रिवाज के अनुसार कोई भी मानव, हम लोग भारत के लोग बढ़ेंगे, तो हम लोग हमेशा अपने कर्तव्य को समझेंगे, और हमेशा हमारे पूर्वज के बनाए गए रास्ता हम लोग को यह बतलाएगा कि मानव को हमेशा अपने कर्तव्य पर चलना चाहिए। और कर्तव्य कैसा, जिससे मानव का भलाई हो, है ना, एक दूसरे के कल्याण हो, देश और समाज के लिए
हम लोग अच्छा काम करें, यही कर्तव्य का रास्ता दिखाता है हमारी सभ्यता, जो हमारे कल्चर है और इसको बनाने वाला हमारे एंसेस्टर थे, पूर्वज थे। इसीलिए कहा गया है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट ए मैन टू द पाथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता आचरण का वह अंदाज है जो एक मानव को कर्तव्य को रास्ता को दिखाता है, वही बस वही सभ्यता का मेन मुख्य अर्थ होता है। इसलिए कहा गया कि भारतीय सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म, कि सभ्यता का वास्तविक मतलब क्या होता है, तो सभ्यता आचरण का वह अंदाज है जो किसी मानव को कर्तव्य के रास्ता को दिखाता है। इसको नोट करो। How did our ancestor view large cities? हमारे पूर्वज थे जो बड़े बड़े शहरों के बारे में क्या सोचते थे, किस नजर से उसको देखते थे, बड़े शहरों के बारे में क्या वो कहते थे। And why were they satisfied with the small village? और हमारे पूर्वज क्यों छोटे छोटे गांव से संतुष्ट थे? तो आपको हम ऐसे में पढ़ाए थे कि हमारे पूर्वज बड़े बड़े शहरों के खिलाफ इसलिए थे कि बड़े बड़े शहरों एक जाल था, बेकार था, एक बोझ था, क्योंकि वहां पर बड़े शहरों है जो एक गैंग है डाकुओं का, है ना, बदमाशों का, पापियों का, और बड़े बड़े शहरों में गरीब लोगों को शोषित किया जाता है अमीर लोगों के द्वारा, इसलिए हमारे पूर्वज छोटे छोटे गांव से संतुष्ट थे। आपको ऐसे में हम पढ़ाए होंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि आवर एंसेस्टर्स वर डेड अगेंस्ट द लार्ज सिटीज बिकाउज द लार्ज सिटीज वर स्नेयर यूजलेस एंड इनकुम्ब्रेंस द लार्ज सिटीज वेयर द लार्ज सिटीज वर full of robbers, thieves and sinners, the poor, are robbed by the rich। अब समझेंगे, our ancestor were dead against the large city। हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा जो हमसे पहले इस दुनिया में आए, जो हमसे पहले इस समाज को बढ़ाए, इस समाज में हमसे पहले जन्म लिए, वो हमारे सभी पूर्वज हैं, चाहे वो किसी जाति का व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, जो हमसे पहले दुनिया को देखे, वो सभी हमारे एंसेस्टर। तो आवर एंसेस्टर वर डेड अगेंस्ट द लार्ज सिटी, हमारे पूर्वज बड़े बड़े शहरों के खिलाफ थे, बिकॉज द लार्ज सिटीज वर अ स्नेयर यूजलेस एंड इनकम्ब्रेंस, क्योंकि बड़े बड़े जो शहर है वो एक जाल है, बेकार है, बोझ है, ये हमारे पूर्वज का सोच था, है ना, क्योंकि द लार्ज सिटीज वेयर फुल ऑफ रॉबर्स थीव्स एंड सिनर्स, क्योंकि बड़े बड़े शहर भरे हुए थे डाकुओं से, चोरों से, पापियों से। आज देखो समाज में या देश में कोई भी बड़ा काम या किसी भी प्रकार के घिनौने काम अगर शुरू होता है तो वो बड़े बड़े शहरों से ही शुरू होता है। और हमारे पूर्वज क्या कहते थे,
कि द पुअर आर रॉब्ड बाय द रिच, कि बड़े बड़े शहरों में अमीर गरीबों को शोषित किया जाता है अमीर लोगों के द्वारा, है ना। गरीब को कोई वैल्यू बड़े बड़े शहरों में नहीं है, उसे लोग धरती का कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वज थे, जो हमारे जो गार्जियन थे, जो हमारे बाप दादा थे, वो छोटे छोटे गांव से क्या थे, संतुष्ट थे। इसलिए बड़े बड़े शहरों के वो खिलाफ करते थे, बड़े बड़े शहरों से वो नाराज रहते थे, छोटे गांव से ही वो संतुष्ट रहते थे, क्योंकि बड़े शहरों में है ना गरीबों को शोषित किया जाता है, प्रतिपालित किया जाता है अमीर लोगों के द्वारा। आवर एंसेस्टर्स वर डेड अगेंस्ट द लार्ज सिटी, हमारे पूर्वज एकदम विरुद्ध थे, खिलाफ थे बड़े बड़े शहरों के विकास, क्योंकि द लार्ज सिटी बड़े शहर वर अस्नेयर, जाल था, यूजलेस बेकार था, एंड इनकम्ब्रेंस और बोझ था। द लार्ज सिटी वर फुल ऑफ रॉबर्स थीफ्स एंड सिनर्स, क्योंकि हमारे पूर्वज ये सोचते थे कि बड़े बड़े शहर भरे हुए थे डाकुओं से, चोरों से, है ना, पापियों से। द पुअर आर रॉब्ड बाय द रिच, और अमीर गरीब लोगों को अमीर लोगों के द्वारा बड़े बड़े शहरों में शोषित किया जाता है, यानी बड़े शहर में हमेशा गरीब लोगों को प्रतिपालित किया जाता है, तंग किया जाता है, शोषित किया जाता है अमीर लोगों के द्वारा। सो इसीलिए आवर एंसेस्टर वेयर सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेज, इसलिए हमारे पूर्वज छोटे छोटे गांव से संतुष्ट थे। इसको नोट करो, Why did our ancestor dissuade us from luxury and pleasure? Did they do right thing? क्यों हमारे पूर्वज हम लोगों को ऐश्वर्य आराम और विलासिता भौतिक सुख से क्यों हम लोगों को दूर रखे? और did they do right thing? और जो वे लोग ऐसे जो किए, यानी हम लोगों को जो दूर रखे, वो क्या सही था? तो हम आपको बताए थे कि हमारे पूर्वज कहते थे कि हम लोग जितने भी मानव हैं, हम लोग को अपने हाथों और पैरों से काम करना चाहिए, अपने भुजबल पर विश्वास करना चाहिए, जिससे दो फायदा होगा कि हम लोग स्वस्थ भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे, और हम लोग मशीन का है ना आगे चलकर गुलाम नहीं हो सकते हैं। अगर हम लोग विलासिता और ऐश्वर्य आराम का जीवन व्यतीत करेंगे तो हम लोग आगे चलकर गुलाम हो सकते हैं मशीन का। इसीलिए हमारे पूर्वज हम लोग को विलासिता और ऐश्वर्य आराम को जीवन से दूर रखे। तो कहता है आवर एंसेस्टर डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लीजर, हमारे पूर्वज हम लोगों को ऐश्वर्य आराम विलासिता से दूर रखे, बिकॉज दे न्यू दैट, क्योंकि वे लोग जानते थे वी कैन बी हेल्दी, हम लोग स्वस्थ हो सकते हैं, रह सकते हैं, एंड प्लीजर खुश रह सकते हैं विद द यूजेज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, अपने हाथों और पैरों का उपयोग से, यानी हम लोग अपने फिजिकल काम करके हाथों और पैरों से हम लोग स्वस्थ भी रह सकते हैं, खुश भी रह सकते हैं। इसीलिए हम लोग को गार्जियन हम लोग के पूर्वज थे जो हम लोग को ऐश्वर्य आराम जीवन से दूर रखे, है ना। दे ऑल्सो न्यू दैट, और वे लोग जानते थे कौन हमारे पूर्वज कि लग्जरी एंड कम्फर्ट, कि विलासिता ऐश्वर्य आराम का जीवन भौतिक सुख आराम मेक अस हम लोग को बना देगा स्लेव एंड लेजी, गुलाम और आलसी, है ना। इसलिए हम लोग को अपने फिजिकल काम करने के लिए कहते थे, अपने हाथों और पैरों का उपयोग करने के लिए कहते थे, फिजिकल वर्क करने के लिए हमारे पूर्वज कहते थे, ताकि हम लोग स्वस्थ भी रह सके, खुश भी रह सके, और हम लोग आलसी और गुलाम नहीं हो सके। गुलाम किसका? मशीन का। इसको नोट कर लीजिए, बाकी हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल आपका ग्रामर पढ़ाएंगे, तब तक इसको देखिए, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है उसको टेक आउट करवा देंगे।